सो हाउ डू वी व्हाट डू वी नो अबाउट मिड पॉइंट थ्योरम. तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि मान लो आई हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी. एंड सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ लेट्स से साइड ए सी, मतलब ए ई इज इक्वल टू ए सी. देन मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स is parallel to the third side. In this case, the third side will be BC and is half of it. Matlab, I'm saying the line joining the midpoints of two sides, the line DE will be parallel to the third side and line DE ka jo length hai will be equal to half the length of the side BC. Right, so that is the statement for midpoint theorem. Line joining the midpoints of two sides is parallel to the third side and is half. And is half of it. Half of it का मतलब DE is half of B of BC. Now how do we prove it? तो इसको prove करने के लिए let's first start with the statement कि हमारे पास given क्या है. So now ये triangle ABC है. ये मान लो point D है on side AB such that AD is equal to DB. और ये point E है on side AC such that AE is equal to EC. ठीक है. अब हम DE को मिला लेते हैं. तो हमें prove करना DE is parallel to B. BC and is half of it. Given क्या हो गया मेरे पास? Given है D is the midpoint of AB, which means that AD is equal to DB, and E is the midpoint of AC, which means that AE is equal to EC. What do I need to prove? I need to prove that DE is parallel to BC. That's the first proof I would need to do, and the second I'll have to show that DE is half of BC. How do I do it? तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. हम सी से एक लाइन मान लो सी एक्स खींचते हैं विच इज पैरेलल टू ए बी. सी एक्स इज पैरेलल टू ए बी एंड देन आई एक्सटेंड डी ई टू मीट सी एक्स एट लेट्स से पॉइंट एफ. ठीक है, तो मेरे दो कंस्ट्रक्शंस होते हैं यहाँ पे. क्या कंस्ट्रक्शन होता है? मैं बोलता हूँ लेट्स ड्रॉ सी एक्स विच इज पैरेलल टू बी ए. ठीक है, सेकेंड क्या होगा? एक्सटेंड डी ई to meet cx at f. ठीक है, now what would I do? Now the first thing I would do is I would prove these two triangles to be congruent. Now how do I do that? A very simple proof. These two angles are equal because they are vertically opposite. AE is equal to EC. It is given because E is the midpoint of AC. And also these two angles will be equal because they are alternate interior angles. देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और AC जो है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा. सो दिस एंगल हियर विल बी इक्वल टू दिस एंगल हियर. आई कैन से दैट दिस एंगल हियर इज इक्वल टू दिस एंगल हियर. राइट, तो क्या बना मेरे पास? मेरे पास बना एंगल एंगल देन द साइड एंड द साइड एंड द अदर एंगल ASA. राइट, तो आई कैन से फ्रॉम ASA what can I say? That triangle ECF is congruent to triangle EAD. ECF is congruent to triangle EAD. ये point E है. ठीक है? And if these two triangles are congruent, then I can also say that CF here must be equal to AD first. And second, I can also say that EF must be equal to ED. EF must be equal to ED. मतलब ये दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे और AD is equal to CF. मतलब ये दो साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, बट आई नो दैट AD is equal to DB. इट इज ऑलरेडी गिवन टू मी. सो वॉट कैन आई से आफ्टर दिस इज कि CF is equal to AD था तो मैं बोल सकता हूं इफ CF is equal to AD एंड AD is equal to DB, इट ऑल्सो मीन्स दैट CF is equal to DB. ठीक है, अब ये एक क्वाड्रिलैटरल है, इसको ध्यान से देखना. ये क्वाड्रिलैटरल है तुम्हारा बी डी एफ सी. ये वाला क्वाड्रिलैटरल बी डी एफ सी. इस क्वाड्रिलैटरल में बी डी वॉज पैरेलल टू सी एफ बाई कंस्ट्रक्शन. ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थे बाई कंस्ट्रक्शन और अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि इन दोनों की लेंथ भी इक्वल है. राइट, सी एफ इज इक्वल टू डी बी. मतलब सी एफ इज इक्वल टू डी बी. So in a quadrilateral, if one pair of side is both parallel as well as equal, then we can say that BDFC is a
यूजिंग दिस वी कैन से दैट बी डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइड्स दोनों, ये जो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, एंड एंड इफ बी डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम देन इट मीन्स दैट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी वन एंड टू डी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू बी बी सी, ये इसके पैरेलल भी होगा और इसके इक्वल भी होगा। Now, if DF, this DF, is parallel to BBC, what does that mean? That if DF is parallel to BBC, then I can also say, that DE is parallel to BC because E lies on DF. तो ये मेरा first part prove हो गया. Second part के लिए ध्यान देना कि DF can be written as DE plus EF. DF can be written as DE plus EF. तो मैं लिख सकता हूं DE plus EF is equal to BC. And remember, EF is equal to DE. EF and DE are equal. So I can write it as twice of DE is equal to BC. Or from here, by simple cross multiplication, I can say that DE must be equal to half of BC. DE must be equal to half of BC, which was my second part of the midpoint theorem. Right, first part I just proved because DF is parallel to BC, DE must also be parallel to BC. ये first part हो गया, and second part हो गया कि DE is equal to half of BC. ठीक है, and how did we go about it? तो हमने पहले ये जो triangle है और इस triangle को congruent prove किया by ASA, and then we showed this quadrilateral to be a parallelogram, which gave me this parallel to this and this equal to half of BC. Fair enough?